राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। शाहरुख खान और उनकी हालिया रिलीज फिल्म जवान की टीम ने हाल ही में मुंबई में सक्सेस मीट होस्ट की। इस मौके पर फिल्म की कास्ट और क्रू से जुड़े सभी मेंबर्स एक साथ नजर आए। इवेंट में शाहरुख ने बताया कि जब वो ब्रेक पर थे तब उन्हें वापस फिल्म में करने के लिए किसने मोटिवेट किया। शाहरुख ने 2019 में फिल्म जीरो के फ्लॉप होने के बाद 3 साल का ब्रेक लिया था। इवेंट में शाहरुख ने कहा, मैं बहुत नर्वस था कि मैंने इतने साल काम नहीं किया है, मेरे लिए 3 साल बाद फिल्म के सेट पर लौटना बिल्कुल नया जैसा था। उस वक्त मेरे बड़े बेटे आर्यन ने मुझसे कहा, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें पता था कि आपकी स्टारडम क्या है। सुहाना को भी पता था कि आपकी स्टारडम क्या है, पर इस लिटिल वन को सिर्फ इतना ही पता है कि आप स्टार हो। इसने आपका स्टारडम कभी महसूस नहीं किया, तो प्लीज़ अगली 5 फिल्मों के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि उसे यह फील हो जाए। इवेंट में शाहरुख ने यह भी कहा कि वो बीते 29 साल से अपनी फिल्मों को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही शाहरुख ने यह भी कंफर्म किया कि राजकुमार हिरानी के साथ उनकी अगली फिल्म डंकी इसी साल रिलीज होगी। शाहरुख ने कहा कि इस साल 26 जनवरी को वो पठान लेकर आए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जवान रिलीज हुई, अब क्रिसमस पर वो डंकी लेकर आएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।